तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास में एक कितनी सारी खराब मोबाइल चार्जर की यहाँ पर जो पीसीबी है, जो प्लेट है, वह यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पर है। और आपके भी घर पर इस प्रकार की काफी ज्यादा प्लेट खराब मोबाइल चार्जर की पड़ी होंगी, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीवन एक्सपेरिमेंट के एक नए और कमाल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बनाकर बताने वाले हैं कि आप अपने घर पर खराब मोबाइल चार्जर से किस प्रकार से बना सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा मिनी इन्वर्टर को। तो यह जो इन्वर्टर है वह खाली नाम का मिनी इन्वर्टर है, लेकिन यह काम जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े करता है। और आपको हम इसका टेस्टिंग करके दिखाएंगे कि यह वर्क करता है या नहीं वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस प्रकार की जो अच्छे अच्छे वीडियो हैं उनको देख सकें सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जो आपका मोबाइल चार्जर है वह सही हो, खराब हो, पुराना हो, फटा हो, जुड़ा हो, कैसा भी हो, ठीक है, आपको जो हम यहाँ पर जो कंपोनेंट बताने वाले हैं वह आपके जो कंपोनेंट हैं वह बिल्कुल सही होने चाहिए। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन से कंपोनेंट यहाँ से निकालने हैं। तो दोस्तों आपको फर्स्ट नंबर पे निकालना है ए ट्रांसफार्मर। इसका यह काम होता है कि यह एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, तो आपको यह निकाल लेना है। और सेकेंड नंबर पर आपको निकालना है यह 13001 की आईसी। आपके मोबाइल चार्जर में 13001 की और 13003 की आईसी मिलेगी, तो आपको कोई सी भी आईसी निकाल लेना है। और यह रेजिस्टेंस आपको निकालना है जो 1K का रेजिस्टेंस होता है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर यह तीनों कंपोनेंट को निकाल लिया है। देखिए दोस्तों ये हमारे पास में ट्रांसफार्मर और यह हमारे पास में 1K का रेजिस्टेंस और यह हमारे पास में है 13003 की आईसी। देखिए 13003। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम इनका कनेक्शन आपको करके दिखाते हैं और इनके जो कनेक्शन है किस प्रकार से किए जाते हैं सारे कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हम कर लेते हैं इस ट्रांजिस्टर का यहाँ पर कनेक्शन। और दोस्तों आपको यह वीडियो को लास्ट तक देखना है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। नहीं तो दोस्तों आप बोलोगे कि सर हमारा जो इन्वर्टर है वह वर्क नहीं कर रहा है, हमारा जो इन्वर्टर है वह वर्क नहीं कर रहा है। अगर फिर भी दोस्तों आपको इसको बनाने में कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डायग्राम का लिंक दे दूंगा, तो आप वहां जाकर देखकर बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। दोस्तों ये हमारा ट्रांसफार्मर है और इसका जो दोस्तों छह लेग है उस पर हमने एक ट्रांजिस्टर को यहां पे कनेक्ट किया है। उसका जो फर्स्ट वाला लेग है उसको हमने यहां पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। उसका दोस्तों थर्ड वाला लेग है उसको हमने पिन नंबर जो फोर्थ वाली लेग है उस की हमने फर्स्ट वाली लेग के यहाँ पे कनेक्ट किया है। और इसका जो यहाँ पे टू वाली लेग है ट्रांसफार्मर की उस पर हमने सेकेंड वाली इसकी जो ट्रांजिस्टर की लेग है उसको हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब हमने दोस्तों सेकेंड वाली लेग से एक वायर लिया है जो हमने यहाँ पर जो सेकेंड लेग है उसके हमने सेकेंड लेग पर यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में हमने दोस्तों क्या किया है, हमने लिया है एक रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की यहाँ पर जो फोर्थ वाली लेग है इसकी और इसकी यहाँ पे सेकेंड वाली लेग है उस पर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब दोस्तों इतना हमारा काम हो गया और यहाँ से हमने प्लस वाला वायर बैटरी का यहाँ पे कनेक्ट किया और सेकेंड वाला वायर हमने यहाँ पे बैटरी का यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। यह हमने यहाँ से वायर निकाले है आउटपुट, यहाँ पे हमें 5 वोल्टेज इनपुट देना है और यहाँ से हमें 220 वोल्टेज आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से हम इसका टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि ये कैसा वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास में 3-पिन सॉकेट यहाँ पे हमारे पास में है और ये हमारे पास में होल्डर, ठीक है। तो हम दोनों को यहाँ पर इस प्रकार से फिट कर देते हैं ताकि हम आपको अच्छे तरीके से इसका जो टेस्टिंग है वह हम आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे करके आपको दिखा सकते, ठीक है। और इसमें हम लगा देते हैं एक बैटरी। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास में बैटरी है जो कि 5 वोल्ट की है, ठीक है, 6650। तो इसका जो माइनस वाला जो है इसका वायर उसको हम इस प्रकार से यहाँ पर जोड़ देते हैं और इसका जो प्लस वाला जो है इसका वायर उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे इस प्रकार से जोड़ देंगे। देखिए दोस्तों हमने पहले इस स्विच को लगाया था तो यह जो स्विच है वह यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि ये स्विच ख़राब है। तो इस स्विच का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों फटाक से हम यहाँ पे इस स्विच को यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों फटाक से हम यहाँ से इसको ऑन करते हैं, इसको हम ऑन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा ऑन हो गया। अब हम दोस्तों आपको इसमें वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं कि इसमें कितना वोल्ट यहाँ पे बन रहा है। देखिए तो देखिए दोस्तों अब इस स्विच में हम यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। तो यहाँ पर 258 इतना वोल्टेज यहाँ पे निकल के ये हमें दे रहा है, ये हमारा सर्किट। तो देखिए दोस्तों हमारा जो एलईडी बल्ब है यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको जो डिस्पेजर है वह हम यहाँ पे लगा देते हैं,
देखिए कितना अच्छा यहाँ पे जल रहा है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से ऑफ करते हैं। देखिए हमारा जो बल्ब है एलईडी बंद हो गया है, चालू करते हैं, बंद चालू हो गया और बंद करते हैं तो बंद हो गया। और यहाँ पे दोस्तों आपको यहाँ पे आवाज़ अजीब सी आवाज़ यहाँ पे सुनने के लिए मिलती होगी, जो कि यहाँ पर झिर झिर की यहाँ पे आवाज़ सुनने के लिए आपको मिली होगी। तो दोस्तों अब हम आपके लिए इस सोल्डरिंग आयरन का यहाँ पे टेस्ट करके दिखाते हैं कि यह इससे उठा पाता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे सोल्डरिंग आयरन में यहाँ पे लाइन आ रही है। देखिए दोस्तों बहुत ही आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें हमारा प्लग लगा और इसमें लाइन आ रही है, यानी यह हमारा सोल्डरिंग आयरन भी चला सकता है बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप समझ गए हो कि आप किस प्रकार से अपने घर पर खराब मोबाइल चार्जर से आप बना सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मिनी इन्वर्टर को। तो वीडियो अगर पसंद आई हो आपको तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।